That's equal to B. ये फिगर था that's equal to B था. यही था हल्का सा मैं एक बार रिवाइज कर देता हूं. सेट पर किसी से क्या होगा कि इज अ प्रोसेस इन व्हिच हम क्या करते हैं हम कांस्टेंट स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी पर यानी कांस्टेंट टेंपरेचर क्या है कांस्टेंट स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी पर जो वाटर वेपर है जल वाष्प वायु की उपस्थिति को क्या करते हैं ठंडा करते हैं जैसे ये एक पाइप है ठीक है यहां पे हमने कूलिंग कॉइल लगाया है ये आपका एंट्री एंट्री है और ये बी जो है ये एग्जिट बाहर निकलने का रास्ता ठीक है तो मान लीजिए एंट्री के बाद का जो एयर मास है यहां एंट्री कर रहा है तो कांस्टेंट स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी विशिष्ट आर्द्रता इसकी वैल्यू कांस्टेंट लेते हुए जब हम वायु में उपस्थित जल मास को इस कूलिंग कॉइल के द्वारा ठंडा करते हैं तो इसी को हम कहते हैं सेंसिबल कूलिंग या गेन उसमें सेंसिबल कूलिंग को तापन कहते थे इसमें क्या कहेंगे ये शीतलन ऐसे कुछ होगा देख लीजिएगा ठीक है देख लीजिएगा इसको हम कहेंगे सेंसिबल कूलिंग अब इसको मैंने टीएस के लिए डायग्राम बनाया ठीक है ये डायग्राम में बनाया था तो यहां पर देखो बिंदु ए से बिंदु टू ऐसे आ रहा है क्योंकि कूलिंग मिलाकर तो कूलिंग होगा मान लीजिए यहाँ पे तापमान टी वन है और यहाँ पे तापमान टी टू है तो इसका मतलब टी टू के तापमान में उधर कूलिंग हो जाएगा टी वन इधर बाहर का तापमान जब बाहर निकल गया तो तापमान उसका कम होगा तो यहाँ पे जो बिंदु ए है इसके लिए तापमान मान के हमने ये डीपीटी ले लिया और मान लो यहाँ तापमान टी वन है और ये तापमान आया टी टू ये जो टी वन टी टू है ये एक्सपर में क्या है ड्राइवर टेम्परेचर ड्राइवर टेम्परेचर ठीक है अब यहाँ पे जब हम कूलिंग कर रहे हैं पॉइंट वन से पॉइंट टू पे आ गया तो इसके तापमान में गिरावट होगी लेकिन इसको हम और ज्यादा जब कूल कर देंगे तो ये जो है सैचुरेटेड लिक्विड लाइन पे चला जाएगा किस बिंदु पे चला जाएगा और यहाँ पे जो टेम्परेचर लेवल पे क्या जाता है उसको कहते हैं ड्यू पॉइंट टेम्परेचर क्या कहते हैं ड्यू पॉइंट टेम्परेचर ठीक है तो कल मैंने ये बताया था कि जो एग्जिस्ट के तरह जो तापमान होगा एग्जिस्ट के तरह जो तापमान होगा उसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगा टी पॉइंट टेम्परेचर से ज्यादा ही होनी चाहिए क्या होनी चाहिए ज्यादा ही होनी चाहिए अगर ऐसा नहीं होगा मान लीजिए टी पॉइंट टेम्परेचर के बराबर या मतलब टी पॉइंट टेम्परेचर के बराबर आ गया या उससे भी कम आ गया तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा उस कंडीशन में जल वाष्प का कंडेंसेशन हो जाएगा क्या हो जाएगा जल वाष्प का कंडेंसेशन हो जाएगा और अगर कंडेंसेशन हो गया तो यहाँ पे अगर मान लीजिए वायु में उपस्थित जल वाष्प का मात्रा Fp है तो यहाँ पे भी हमने बताया था Fp ही लिखते रहा क्योंकि क्या होगा ये आया स्टडी फ्लो है स्थिर प्रवाह मतलब स्थिर प्रवाह से जो है इसमें वायु प्रवेश कर रहा है ये स्टडी फ्लो आपका डायग्राम है इसमें क्या होगा जो प्रवाह हो रहा है वायु का वो स्टडी फ्लो को हिंदी में क्या कहते हैं स्थिर प्रवाह स्थिर प्रवाह करेंगे इसमें प्रवाह होता है क्या कांस्टेंटली होता ठीक है तो स्टडी फ्लो है ये हमने वायु को क्या कहते हैं स्टडी फ्लो करा है स्थिर प्रवाह करा है इसमें जो प्रवाह का जो दर है वो क्या है स्थिर जितना द्रव्यमान जाना है प्रवेश कर रहा है उतना ही द्रव्यमान हमारा बाहर निकल रहा है लेकिन अगर यहाँ पे ये तापमान ड्यू पॉइंट टेम्परेचर के बराबर है उससे कम आ गया तो मैंने बोला कंडेंसेशन हो जाएगा तो यहाँ पे जो जल वाष्प का द्रव्यमान है जब इसमें प्रवेश करेगा तो उसका कंडेंसेशन हो जाएगा तो अब ये एनर्जी यहाँ पे आ रहा है नहीं आएगा अब यहाँ पे जो द्रव्यमान होगा कुछ और आएगा कम आएगा वैल्यू ठीक है तो ये मतलब होगा कि स्थिर प्रवाह का क्रम नहीं रह पाएगा स्टेडी फ्लो नहीं हो पाएगा तो इस कारण यह एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन है कि जो हमारा ये जो ड्राइवर टेम्परेचर निकल रहा है जब हम बाहर निकल रहे हैं इस नली से उस समय जो तापमान है ड्राइवर टेम्परेचर है उसका मान हमेशा डीपीटी सॉरी डीपीटी ड्यू पॉइंट टेम्परेचर से ऊपर होना चाहिए हाई होना चाहिए अगर ये ड्यू पॉइंट टेम्परेचर
रीजन की बराबर जब उसी कम आ गया तो कंडेंसेशन हो जाएगा और कब ये हमारा जो प्रवाह है उसके प्रवाह नहीं रहेगा, ठीक है। तो कल यही मैं बता रहा। अब इसका एक हम साइक्लोमेट्रिक चार्ट ड्रॉ करते हैं। साइक्लोमेट्रिक चार्ट ये आपका डब्ल्यू है और ये आपका ड्राई बल्ब टेम्परेचर, ठीक है। जब ये हम साइक्लोमेट्रिक चार्ट ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कम हो रहा है ना, टेम्परेचर कम हो रहा है और ये हमारा स्थिर है। क्या नाम है, क्या कहते हैं, स्पेसिफिसिटी स्थिर है, विशिष्ट आर्द्रता स्थिर है। तो विशिष्ट आर्द्रता के लिए हमने ये फिगर बनाया था। अच्छा, यहाँ पे ड्राई बल्ब टेम्परेचर किस दिशा में बढ़ता है तो यहाँ पे क्या होगा, ये बिंदु एक या ये बिंदु दो, तो ये फिगर आपका कहलाएगा सेंसिबल कूलिंग का। क्यों, क्योंकि यहाँ इन दोनों बिंदुओं के लिए डब्ल्यू की वैल्यू तो कॉन्स्टेंट हो गई। यहाँ पे जो तापमान आ रहा है ये हमारा आ रहा है टी1 और यहाँ पे जो तापमान आ रहा है ये हमारा आ रहा है टी2। तो टी1 से टी2 हमारा ड्राई बल्ब टेम्परेचर का मान किस तरीके से बढ़ता है, जबकि इसमें तापमान इधर आ रहा है। मतलब टी1 जो है वो क्या है, वो बड़ा है टी2, बड़ा है टी2 से, या कहिए टी2 जो है छोटा है टी1 से। तो ये हमारा किसका फिगर हो गया, सेंसिबल कूलिंग का साइक्लोमेट्रिक डायग्राम चाहिए, ठीक है। तो ये इसको दिया था थोड़ा, तो इसको आप देख लीजिए। अब यहाँ पे जो मैं कल बता रहा था, अगर आप इसको एलपीडी निकालना चाहेंगे तो यहाँ पे एलपी का स्केल होता है, एलपी स्केल जैसे कि हमने सेंसिबल वीडियो में बताया है। तो क्या करेंगे, यहाँ से और यहाँ से ऐसे निकाल लेंगे, ये हमारा आ जाएगा एच वन, ये आ जाएगा एच टू, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो सेंसिबल क्लीन हो रहा है, सेंसिबिलिटी के कंडीशन में क्या है, एच टू माइनस एच वन, ये प्लस सेंसिबल कूलिंग में क्या होगा, दोनों साइड में माइनस साइन जो लगाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस एच टू प्लस एच वन, अर्थात एच वन माइनस एच टू। तो यहाँ सेंसिबल कूलिंग में क्या हो जाएगा, एच वन माइनस एच टू हो जाएगा। क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगा, क्यू की वैल्यू एच वन माइनस एच टू हो जाएगा, ये सेंसिबल कूलिंग, ठीक है। और सेंसिबल हीटिंग के लिए क्या था, क्यू की वैल्यू एच टू माइनस एच टू, याद रखिए। तो ये हमारा भी दो पॉइंट हो गया, दो प्रोसेस हो गए, बेसिक साइक्लोमेट्रिक फॉर्मूले के दो प्रोसेस हमने पढ़ लिए, सेंसिबल हीटिंग, सेंसिबल कूलिंग। अब इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है तो डिस्कशन देखा जाएगा, दूसरा आपका डायग्राम साइक्लोमेट्रिक डायग्राम आ जाएगा, साइक्लोमेट्रिक डायग्राम पे क्वेश्चन आ जाएगा, और तीसरा आपका ये जो फॉर्मूला है सेंसिबल हीट के लिए फॉर्मूला क्या होता है, एच टू माइनस एच वन, और सेंसिबल कूलिंग के लिए फॉर्मूला क्या होता है, एच वन माइनस एच टू। तो ये तीन चार टाइप के आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, क्लियर। अब हम अगला जो टॉपिक पढ़ रहे हैं ह्यूमिडिफिकेशन, अगला हमारा क्या है, ह्यूमिडिफिकेशन मतलब आर्द्रता, कैसे हम वायु में जल वाष्प की मात्रा को बढ़ाएंगे, इसको हम क्या कहेंगे, ह्यूमिडिफिकेशन। आप सारे छोटे छोटे प्रोसेस हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने भी प्रोसेस अपना और इसमें कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा। अब देखिए ह्यूमिडिफिकेशन, ह्यूमिडिफिकेशन को कहते हैं हिंदी में, जैसे आर्द्रता को हिंदी इंग्लिश में क्या कहते हैं, ह्यूमिडिटी कहते हैं, ठीक है। तो ह्यूमिडिफिकेशन मतलब हम वायु में आर्द्रता जल वाष्प की मात्रा को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। इसको हिंदी में क्या देखना पड़ेगा, हिंदी में क्या कहते हैं, आद्रीकरण, आद्रीकरण को हिंदी में क्या कहते हैं, आद्रीकरण करते हैं, ठीक है, हिंदी में आद्रीकरण करते हैं, ह्यूमिडिफिकेशन को आद्रीकरण करते हैं। होता क्या है इसकी, जैसे मैंने बताया
ह्यूमिडिटी को हिंदी में कहते हैं, अभी किए नहीं है। अरे रुक जाइए, हाँ तो ह्यूमिडिटी सॉरी जैसे ह्यूमिडिटी को हिंदी में आर्द्रता कहते हैं, और आर्द्रता का मतलब क्या है आप जानते हैं, वायु में उपस्थित नमी को ही हम क्या कहते हैं, आर्द्रता कहते हैं, ह्यूमिडिटी कहते हैं। तो यहाँ ह्यूमिडिफिकेशन आर्द्रीकरण, ह्यूमिडिफिकेशन का मतलब ये हो गया कि वायु में हम जो उपस्थित आर्द्रता है उसकी मात्रा को और बढ़ा रहे हैं, वायु में उपस्थित जो आर्द्रता है, जो ह्यूमिडिटी प्रेजेंट है वायु में, उसके मात्रा को और बढ़ाने की जो प्रक्रिया होती है उसी को हम कहते हैं ह्यूमिडिफिकेशन, ठीक है, आर्द्रीकरण है। तो इसका डेफिनेशन क्या होगा, इसका डेफिनेशन ये हो जाएगा, इट इज अ प्रोसेस, यह एक ऐसा प्रक्रम है जिसमें हम स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी यानी डब्ल्यू, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी अर्थात डब्ल्यू के मान को इंक्रीज करते हैं, बढ़ाते हैं, ठीक है। यह एक ऐसा प्रक्रम है जिसमें हम विशिष्ट आर्द्रता स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी डब्ल्यू के मान को इंक्रीज करते हैं, बढ़ाते हैं एट कॉन्स्टेंट, यह एक ऐसा प्रक्रम है जिसमें स्थिर ड्राई बल्ब टेम्परेचर पर विशिष्ट आर्द्रता को अर्थात डब्ल्यू को के मान को क्या करते हैं, बढ़ा दें। ह्यूमिडिफिकेशन का आर्द्रीकरण का डेफिनेशन मैं बोला कि यह एक ऐसा प्रक्रम है जो स्थिर ड्राई बल्ब टेम्परेचर पर जिसमें स्थिर ड्राई बल्ब टेम्परेचर पर विशिष्ट आर्द्रता स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी के मान को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, आर्द्रीकरण कहते हैं या ह्यूमिडिफिकेशन कहते हैं। बस ये डेफिनेशन आपको दिमाग में रखना है, ठीक। अब इसका साइकोमेट्रिक चार्ट अगर हम बनाएंगे, और ड्राई बल्ब टेम्परेचर के बीच में होता है, तो अब यहाँ कह रहे हैं ड्राई बल्ब टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट, और इसकी मान हम क्या कर रहे हैं, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी की मान को बढ़ा रहे हैं, तो हमारे लिए तो होगा कुछ सही मान लीजिए, तो ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो बिंदु एक और बिंदु दो, ये है बिंदु एक और बिंदु दो, इसके लिए जो ड्राई बल्ब टेम्परेचर है वो क्या होगा, दोनों के लिए समान हो गया, एक ही बिंदु क्या रहा है तो कॉन्स्टेंट हो गया, जबकि यहाँ पे जो आपका डब्ल्यू है डब्ल्यू वन और यहाँ पे जो आपका डब्ल्यू है ये डब्ल्यू टू है, तो यहाँ लिख सकते हैं कि डब्ल्यू की ग्रेटर है डब्ल्यू क्या है, तो ह्यूमिडिफिकेशन का साइक्लोमेट्रिक चार्ट क्या होगा, एक वर्टिकल लाइन क्लियर है। अब दूसरा आपका ये आंकड़ा हो गया, तीसरा प्रॉब्लम चौथा क्या है, नी आद्रीकरण यहाँ नी बन गया है, ठीक है, नी आद्रीकरण, नी ह्यूमिडिफिकेशन को हिंदी में नी आद्रीकरण। अब इसका भी जस्ट डेफिनेशन क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा उसका, जो अभी हमने पहले पढ़ा, ह्यूमिडिफिकेशन में हमने क्या पढ़ा है, स्थिर ड्राई बल्ब टेम्परेचर पर हम क्या करते हैं, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी मतलब विशिष्ट आर्द्रता के मान को बढ़ा देते हैं, और जब ह्यूमिडिफिकेशन में क्या होगा, स्थिर ड्राई बल्ब टेम्परेचर पे विशिष्ट आर्द्रता के मान को हम क्या करेंगे, घटा देंगे, कम कर देंगे, इसी को हम क्या कहेंगे, ह्यूमिडिफिकेशन कहेंगे या नी आर्द्रीकरण कहेंगे। अब इसका जब हम साइक्रोमेट्रिक चार्ट बनाएंगे तो इसमें क्या होगा, इसमें बस ये जो लाइन है ऐसे ही होगा, क्योंकि ड्राई बल्ब टेम्परेचर तो आपका कॉन्स्टेंट है, ड्राई बल्ब टेम्परेचर होते हैं, लेकिन
यहाँ पे W का मान कम होगा, तो W का मान कम होगा, ये जो U2 है ये हो जाएगा 1, और यहाँ जो U2 है ये हो जाएगा 2, और प्रोसेस उल्टा चलने लगेगा, तो ऊपर की ओर चल रहा है, नीचे की ओर चल रहा है, तो यहाँ पे ये W1 आएगा और ये W2 आएगा, ठीक है? तो हम क्या कहते हैं कि W2 है वो क्या है, वो लेस देन हो जाएगा W1, अर्थात यूनिफिकेशन कम होगा। ये हो जाएगा, क्लियर है? तो ये आपका हो गया डिह्यूमिडिफिकेशन, क्लियर? अब इसके बाद चौथा जो है पांचवा जो प्रकरण है वो आपका है। अच्छा, इसमें एक चीज और है, छोटा सा जो मैंने लिखा इसमें, रुक जाए, इसको मैं एग्जांपल से बता रहा हूँ तो ज्यादा क्लियर होगा। नॉर्मली देखा जाए, जैसे वर्तमान जो इस समय मौसम चल रहा है बरसात का, इसमें आप देख रहे हैं बहुत ज्यादा उमस हो रही है। उमस का मतलब क्या है, हमारे वायुमंडल में बहुत ज्यादा क्या है, नमी है ना। अभी बरसात कुछ दिन पहले हुआ जिससे हमारे वायुमंडल में बहुत ज्यादा नमी है। अब जब धूप हो रहा है, जब टेम्परेचर बढ़ रहा है, वो क्या हो रहा है, नमी जो है वाष्प के रूप में कन्वर्ट हो जा रही है और वही क्या हो रहा है, उमस पैदा कर रहा है। तो जब वायु में ह्यूमिडिटी होगी, नमी होगी, तो यही जो है उमस का कारण होता है। इसी से जो है उमस भरी गर्मी हमको पता चलती है, जो कि अभी इस समय हम लोग को सबको पता चल रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है, यही हमको बताना है, चाहे वो ह्यूमिडिफिकेशन हो चाहे वो डिह्यूमिडिफिकेशन, दोनों ही अवस्था, ये दोनों ही अवस्था तभी होता है, प्रैक्टिकली तभी होता है, चाहे वो आर्द्रीकरण हो चाहे निरार्द्रीकरण, ये दोनों ही जो प्रोसेस है प्रथम है, यह तभी होगा जब तापमान में क्या होगा, जब तापमान में परिवर्तन, जब तापमान में क्या होता है, परिवर्तन। जैसे कि अभी मान लो बरसात का दिन है, तो यहाँ इसमें क्या हो रहा है, इसमें हम कह रहे हैं कि हमारे वायु में क्या है, नमी बहुत ज्यादा, जिसके कारण हमको उमस हो रहा है, ठीक है? तो अभी अगर आप सप्ताह भर पहले जाएं, जब बरसात हो रही थी, तो बरसात के कारण क्या था, बरसात के कारण उस समय भी वायु में नमी उपस्थित, लेकिन टेम्परेचर क्या था, कम था, तो हमको पता नहीं चल रहा था, ठंडा पता चल रहा। लेकिन बरसात जैसे ही बंद हुआ, पानी गिरना जैसे ही बंद हुआ, तो धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ने लगा, धीरे धीरे टेम्परेचर क्या हुआ, बढ़ने लगा, और फिर जो है जो पानी थी वो धीरे धीरे वेपोराइज होने लगी। वेपोराइज होने के कारण ये क्या हो रहा है, जो हमारी वायु है उसमें जलवाष्प की मात्रा और बढ़ गई, पहले तो थी ही, अब और बढ़ गई वेपोराइज होने। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, टेम्परेचर जब बढ़ रहा है उसके कारण ह्यूमिडिफिकेशन बढ़ रहा है। इसी तरीके से जब ये बरसात का मौसम खत्म होगा और जब धीरे धीरे शरद ऋतु आएगा, जाड़े का समय आएगा, तब क्या होगा, उस समय धीरे 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 तापमान कम, ठीक है भाई, उसके बीच में एक ऐसा टाइम आएगा जहां पे बहुत तेज धूप होगा, तापमान क्या होता है, एक का जो है बहुत तेजी से बढ़ जाता है। तो वायु में उपस्थित ये जो जलवाष्प अभी है, ये क्या होगा, धीरे धीरे ड्राई होने लगेगा, धीरे धीरे क्या होगा, ड्राई होने लगेगा, यानी वहां पे डिह्यूमिडिफिकेशन हो रहा है, तापमान फिर बढ़ रहा है, लेकिन तापमान चेंज हो रहा है। तो मेरा कहने का यही मतलब है कि चाहे ह्यूमिडिफिकेशन हो चाहे डिह्यूमिडिफिकेशन, ये दोनों प्रैक्टिकल लाइफ में तभी संभव है जब तापमान में क्या होगा, परिवर्तन होगा। जबकि यहाँ पर जो हम ह्यूमिडिफिकेशन और डिह्यूमिडिफिकेशन कर रहे हैं, ये क्या है, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। प्रैक्टिकली जैसे वातावरण का हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, ये चीज प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ ड्राई बल्ब टेम्परेचर क्या ले रहा है, डिस्क्रिप्ट ले रहा है। ड्राई बल्ब टेम्परेचर का मतलब टेम्परेचर से ही है,
यहाँ पे जो हम आइगन टेम्परेचर ले रहे हैं वो क्या ले रहे हैं, स्थिर ले रहे हैं, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं, मतलब जो दैनिक जीवन में ये जो प्रक्रम हम यहाँ बता रहे हैं ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, दैनिक जीवन में इसका उपयोग नहीं है। दैनिक जीवन में आद्रीकरण और अनिआद्रीकरण तापमान में परिवर्तन होने के साथ ही होता है, न कि तापमान को स्थिर रखने पर। क्लियर है ये चीज। चलो अब पूछोगे कि यहाँ पे कैसे हो रहा है, अब ये भी क्वेश्चन आना चाहिए कि यहाँ पे कैसे हो रहा है। तो यहाँ पर तापमान स्थिर है लेकिन यहाँ पे हम लैटेंट हीट का उपयोग कर, इसका उपयोग कर रहा है गुप्त ऊष्मा का उपयोग कर, ठीक है, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा, लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन हो रहा है। तो यहाँ पे गुप्त ऊष्मा, जैसे जब ह्यूमिडिफिकेशन हो रहा है तो गुप्त ऊष्मा ली जा रही है, ठीक है, जिसके कारण क्या हो रहा है वेपोराइज हो रहा है और वायुमंडल में जो है जल वाष्प की मात्रा बढ़ते चली जा रही है, और डीह्यूमिडिफिकेशन में क्या हो रहा है ये चीज कम हो रहा है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या किया जा रहा है, बेटा बता दिए लग रहा है, हां बता दिया, डीह्यूमिडिफिकेशन में लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ली जा रही है, ठीक है, जब ली जा रही है तो उसका डीह्यूमिडिफिकेशन वाष्प की मात्रा धीरे धीरे क्या हो रही है सूक्ष्म वायुमंडल में वाष्प की मात्रा कम हो रही है, वायुमंडल हमारा सूक्ष्म होते जा रहा है, और ह्यूमिडिफिकेशन में क्या होता है ये लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन दी जा रही है, जिससे कि क्या होगा वायुमंडल में वाष्प की मात्रा और ज्यादा हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रोसेस हो रहा है ये गुप्त ऊष्मा के कारण हुआ, लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन के कारण हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे हम तापमान स्थिर रख सकते हैं लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में ये पॉसिबल नहीं है, याद रखिए। अब अगला चौथा हो गया, पांचवा जो पॉइंट है वो है आपका हीटिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन, हीटिंग एंड, अब दोनों कंबाइन आ गए, जैसे अभी तक हमने क्या प्रॉब्लम पढ़ा, हीटिंग पढ़ा, कूलिंग पढ़ा, ह्यूमिडिफिकेशन पढ़ा और डीह्यूमिडिफिकेशन पढ़ा, अब हम क्या कर रहे हैं पहले और तीसरे को कंबाइन कर रहे हैं, पहला कहता हीटिंग, तीसरा कहता ह्यूमिडिफिकेशन, तो यहाँ पे क्या हो गया हीटिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन। पांचवा जो प्रोसेस है वो है हीटिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन, पांचवा जो प्रोसेस है वो है हीटिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन। हीटिंग को कहेंगे तापन और आद्रीकरण, तापन और आद्रीकरण, हिंदी में क्या कहेंगे तापन और आद्रीकरण, करना है क्या, चलिए हो जाएगा अभी चार मिनट। अब ये प्रोसेस देखिए इसमें कैसे होता है, अब हीटिंग में क्या है, हीटिंग में हमने पढ़ा कि तापमान बढ़ रहा है, ठीक, हीटिंग में क्या था तापमान बढ़ रहा है, और ह्यूमिडिफिकेशन में क्या था कि W का मान मतलब स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी विशिष्ट आर्द्रता बढ़ रहा है, अर्थात ये जो कॉम्बिनेशन है इस कॉम्बिनेशन में तापमान भी बढ़ेगा और विशिष्ट आर्द्रता भी बढ़ेगा। अब ये कैसे होगा, तो हमने एक पाइप लिया और हमने क्या किया यहाँ पे एक और पाइप ले करके इसमें से स्टीम, क्या है स्टीम, स्टीम को कहते हैं वाष्प, स्टीम को क्या कहते हैं, जैसे अभी कोरोना में बहुत लोग घर पे स्टीम ले रहे थे ना, भाप ले रहे, हिंदी में क्या कहेंगे भाप ले रहे, तो हमने क्या किया पाइप में भाप जो है स्प्रे किया, स्टीम का क्या किया स्प्रे किया, ठीक है, यहाँ से वायु प्रेशर आया एयर, ठीक है, जो जल वाष्प युक्त एयर है वायु है उसको प्रेशर आया, यहाँ पे हम स्टीम का भाप का क्या कर रहे स्प्रे कर रहे, ठीक है, छिड़काव कर रहे। तो जब स्टीम, जैसे आप बहुत लोग आप लोगों से भी कोरोना काल में भाप लिए होंगे, तो जो भाप होता है वो क्या होता है उसका तापमान, भाई भाप कैसे बनेगा पानी से ही भाप बनता है, पानी को हम गर्म करते हैं तो जो भाप निकलता है वो क्या होता है उसका तापमान भी ज्यादा होता है, और उसमें क्या होता है वही जो पानी होता है वही तो वेपोराइज होकर के भाप बदलता है, इवेपोरेट होकर के वाष्पीकरण होता है, और वो क्या होता है इवेपोरेट होकर के भाप में परिवर्तित हो जाता है।
तो जब हम मास को स्प्रे करेंगे और एक वायु है जिसमें पहले से नमी उपस्थित है, जब इससे प्रवेश करेगा और इसके संपर्क में ये जो तापमान का छिड़काव करने ये आएगा, तो इसमें क्या होगा, इसका तापमान भी बढ़ेगा क्योंकि मास का तापमान ज्यादा है, इसको गर्म करके ही पानी को वहां बनाया जा रहा है। तो जब ये वायु के संपर्क में आएगा तो वायु का भी तापमान ज्यादा होगा। और चूंकि भाप में पानी के कण होते हैं, पानी के कण ही तो इवेपोरेट होकर के भाप में परिवर्तित होते हैं स्टीम में, तो वायु में उपस्थित जल वाष्प पहले था उसकी मात्रा, जल वाष्प की मात्रा और बढ़ेगी और फाइनली जो बाहर निकलेगा वायु उसमें जल वाष्प की मात्रा में भी बढ़ोतरी हो जाएगी और उसके तापमान में भी बढ़ोतरी हो जाएगी। समझ में आया ये कैसे फिगर बना है? हमने क्या किया, स्टीम का छिड़काव, स्टीम का छिड़काव किया, स्टीम का जो तापमान है, मान लीजिए स्टीम का तापमान मैंने ले लिया T2 और यहाँ क्या है, मान लीजिए स्टीम का तापमान मैंने ले लिया T3, यहाँ पे तापमान T1 और यहाँ पे तापमान T2, समझ में आया? तो ये जो T3 है इसकी वैल्यू क्या है, T1 से ज्यादा, ठीक है? तो जब इसमें प्रवेश करेगा तो यहाँ पे T1 प्लस T3 ये ऐड क्या है, तापमान में बढ़ोतरी हो जाएगा, फाइनली तापमान होगा वो क्या होगा, इस तापमान से ज्यादा मिलेगा। समझ में आया, तापमान में वृद्धि हो गई। उसी तरीके से स्टीम है, स्टीम में पानी के कण होंगे और जो वायु में पहले से जल वाष्प है वो तो सही है, तो जब अंदर जाएगा तो ये जो स्टीम के पानी के कण है इसमें ये भी तो उसमें मिल जाएंगे, जिसके कारण डब्ल्यू का मान, विशिष्ट आर्द्रता का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया? चलिए अब टाइम बिल्कुल नहीं है, इसके बाद हम इसका साइक्रोमेट्रिक चार्ट, आज मुझे क्लास मिला रिजल्ट सर का, तो आज ये टॉपिक इतना खत्म हो जाएगा, जो भी अंतिम टॉपिक बचा हुआ है, ठीक है? एक आदमी स्क्रीनशॉट लेके भेज दे इस क्लास का अंदर, और इसका साइक्रोमेट्रिक चार्ट अगले क्लास में जो 12 बजे से पढ़ सकते, ठीक है? चलो थैंक यू।